अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। सिनॉप्सिस मतलब समरी, शॉर्ट स्टोरी, आउटलाइन। सिनॉप्सिस मतलब आउटलाइन स्टोरी, ठीक है। किसकी स्टोरी है? स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस स्विट्जरलैंड से बिलोंगिंग, मतलब स्विट्जरलैंड की एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली का नाम क्या है? फैमिली का सरनेम जो है वो रॉबिन्सन, ठीक है। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल दैट पीपल ऑफ मैनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। ये एक बहुत फेमस कहानी है, बहुत फेमस एडवेंचर नॉवेल है। नॉवेल मतलब स्टोरी बुक, नॉवेल मतलब बड़ी बड़ी बिग स्टोरी बुक, जैसे हैरी पॉटर है, ठीक है, वैसी। एडवेंचर मतलब जो जैसे कोई वो जंगल में जाके रह रहा है और नई नई चीजों का तजुर्बा कर रहा है, नई नई चीजों को एंजॉय कर रहा है, उसको बोलते हैं एडवेंचर, ठीक है। नई नई चीजों को एंजॉय करना एडवेंचर। तो स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक बहुत जानी मानी एडवेंचर नॉवेल है दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, और लोगों ने इसको, ये नॉवेल पढ़ने में बहुत इंजॉय किया लोगों ने, ठीक है। अराउंड 200 ईयर्स तक ये नॉवेल हिट रही, 200 साल तक ये नॉवेल काफी हिट रही, मतलब फेमस रही, लोग इसको एंजॉय करे। इट हैज ऑल्सो बीन मेड इन ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। और उसके बाद पहले तो इसकी पब्लिश बुक में आई नॉवेल, फिर उसके बाद इसकी ग्राफिक नॉवेल्स भी बनी, मतलब इसके ऑडियो वीडियो बने, ठीक है, फिल्म्स बनी इस पे, एनिमेटेड वीडियोस बने, एक्सेट्रा। किसने लिखे नॉवेल? द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लर्जी मैन जॉन डेविड विस। किसने लिखी है? स्विस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के, क्लर्जी मैन मीन्स लोअर लेवल ऑफ प्रिस्ट। प्रिस्ट को क्लर्जी मैन कहते हैं, चर्च मैन, चर्च में जो काम करते हैं, चर्च की देखभाल करते हैं, चर्च में जो प्रिस्ट रहते हैं, क्लर्जी मैन। क्या नाम है उनका? जॉन डेविड विस। इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर, ये सिर्फ एक एडवेंचर बुक नहीं है। इट एम्स ऑफ टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ। इससे इसका मेन क्या, इसका और एक एम है, ये सिर्फ एक एडवेंचर नॉवेल नहीं है, खाली इंजॉयमेंट के लिए, अमेजमेंट के लिए नॉवेल नहीं बनी है, बल्कि इसका टारगेट है, बल्कि इसका एम, टारगेट ये है कि यंग लोगों को क्या सिखाए? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, खुद पे निर्भर रहना, डिटर्मिनेशन, करेज, हिम्मत, गट्स, ठीक है, लव फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए प्रेम, कॉपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, एंड प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट, मतलब इसमें पहले से टेक्स्ट बुक में मीनिंग लिखी हुई है, मैंने किसी से बोरो की है, उसके मेरी टेक्स्ट बुक नहीं है ये, मैंने किसी से बोरो की है और उसमें उसने पहले से मीनिंग्स लिखी है, तो मीनिंग्स में थोड़ा क्लियर रीड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं रीड करके दे रहा हूँ स्पेलिंग्स। PRUDENT, प्रूडेंट मतलब चीज़ों को बराबर से यूज करना। प्रूडेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, प्रूडेंट मतलब अच्छी तरह संभाल कर, सोच समझ कर रिसोर्सेस को यूज करना, ठीक है। इट ऑल्सो हैड गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस से रिलेटेड बहुत लेसन है चैप्टर में, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन हैं, ठीक है, नेचर से जुड़े हुए, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए, गुड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स पालना, या फिर हस्बेंड्री में वो सब आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एंड इवन मैथमेटिक्स, और चैप्टर में मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है बहुत सारा। सम एलिमेंट ऑफ द नॉवल, देखो हम लोग अभी तक ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे कि स्विस फैमिली रॉबिन्सन नाम की एक बुक है, ठीक है, एक नॉवेल है जो बहुत फेमस हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके बारे में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे कि किसने लिखी है और कब लिखी और उसमें क्या क्या है, किस बारे में लिखी है बुक। सम एलिमेंट ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू सर्टन एक्सटेंट, नॉवेल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ 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 टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो रियलिटी बता रहे हैं, नॉवेल में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एकदम रियलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसको क्या बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज वर्क ऑफ फिक्शस एंड नॉट अ फैक्ट फाइल, लेकिन हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि फिक्शस है। फिक्शस मतलब सोच समझ के, स्टोरी सोच के, प्लान करके बनाई हुई स्टोरी। फैक्ट मतलब रियल, तो ये रियल नहीं है,
ये फिक्शस है, फिक्शस मतलब इमेजिन करके लिखी हुई स्टोरी है, इमेजिन करके लिखी हुई। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस, अभी हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हो क्या है, सिनॉप्सिस मतलब उसका समरी, आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं है। ये जो स्विस फैमिली है ना, इस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन नाम की नॉवेल का सिर्फ आउटलाइन है, इधर 2 पेज का सिर्फ आउटलाइन है, क्योंकि पूरी नॉवेल तो एक बड़ी सी जाड़ी फैट बुक है, पूरी इस पे एक पूरी फैट बुक है कि कैसे वो फैमिली सरवाइव की, कैसे उन्होंने क्या किया। हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आउटलाइन, आउटलाइन जैसे हम लोग, आउटलाइन मतलब खाली मेन मेन पॉइंट्स कि ये किया उन्होंने, ये किया ये किया। तो सिनॉप्सिस क्यों लिखा जाता है, ताकि रीडर को इंटरेस्ट आए, तो आखिर किसी बच्चे को इंटरेस्ट आया तो वो जाके नॉवेल खरीद सकता है और फिर पूरी स्टोरी पढ़ सकता है। तो नॉवेल पे तो पूरी बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन है 2 पेजेस का, 2-3 पेजेस का। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिनॉप्सिस यानी आउटलाइन ऑफ द बेसिक स्टोरी। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर देखो, विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेवलिंग इन अ शिप। कैरेक्टर में एक विलियम है और एक एलिजाबेथ उसकी वाइफ है और उनके बच्चे, सब लोग शिप पे ट्रेवल कर रहे थे। व्हेन द शिप वॉज गॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, लेकिन शिप किस में फंस गया, बड़े बहुत बड़े तूफान में फंस गया, तूफान स्ट्रॉम। द अदर पैसेंजर इवैक्यूएटेड विदाउट देम, दूसरे सब पैसेंजर्स छोड़ दिए शिप को, शिप को छोड़ के निकल गए और इनको नहीं लेके गए, इनको छोड़ दिए वहां पर। दूसरे सब पैसेंजर्स शिप से निकल गए, जो छोटी बोट्स रहती है शिप में, रेस्क्यू बोट्स, वो सब लेके शायद निकल गए और इनके परिवार को वहीं छोड़ दिया, अंदर शिप में ही रह गया, ठीक है। विदाउट देम विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रंस फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रैंक, 4 बच्चे हैं, ठीक है। विलियम और उसका परिवार, विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ और 4 बच्चे हैं, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक और फ्रैंक, वे लेव टू सर्वाइव अलोन। ये अंदर ही रह गए, शिप में ही रह गए सर्वाइव करने के, बचने के लिए, मतलब शिप में ही थे। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप, उन लोगों ने शिप में रुक कर खाली इंतजार किया स्ट्रॉम का रुक जाने का, ठीक है, स्ट्रॉम के रुकने का, तूफान के रुकने का। वो लोग ने शिप में बैठकर इंतजार किया, मतलब शिप में ही पड़े रहे, शिप जहाँ जा रही है वो जा रहे हैं और शिप में ही बस बैठे हैं, शिप में ही मतलब कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं। द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देम सेल्फ विद इन द साइट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। शिप बच गई, वो रात को शिप बच गई और सुबह उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड पे, एक डेजर्ट आइलैंड पे पाया। आइलैंड मतलब पानी के बीच में जो जमीन होती है, सब सब बाजू से समुद्र हो और बीच में कोई जमीन होती है उसको कहते हैं आइलैंड। डेजर्ट मतलब एम्प्टी, ट्रॉपिकल मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर घने जंगल हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहां पर वो फैमिली ने अपने आप को पाया अगले दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट थ्रू, मतलब बोट उसमें ही, तूफान में बोट फ्लो हो के, शिप सॉरी, शिप फ्लोट हो के तूफान में एक आइलैंड पे आके रुक गई और शिप मतलब वो लोग बच गए, जिंदा थे, ठीक है, और सुबह वो लोग वहां से निकलने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रिफ, तो किनारे के आगे जो आइलैंड था जहां पे शिप आके फंसी है, तो वहां पर वो लोग जो सोचे जाकर वो आइलैंड पे जाते हैं, शिप से उतर के आइलैंड पे जाके देखते हैं क्या है। विथ मच एफर्ट, क्योंकि शिप टूट चुका था, शिप पूरी तरह से मतलब कंडीशन में नहीं था ना, ऑलमोस्ट तूफान झेल कर शिप खराब हो चुका था समझ लो, ठीक है। तो वो लोग आइलैंड पे, रिफ पे उतर कर आइलैंड को जाकर सोचे देखते क्या है। विथ मच एफर्ट, पूरी कोशिश के साथ दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब, उन लोग ने टब से क्या बनाया, एक वेसल बनाया। देखो यहाँ पे फोटो है, शिप से उन लोग ने निकलकर बहुत मेहनत करके क्या बनाया, टब बनाया, सॉरी टब से एक वेसल बनाया यानी एक छोटी सी बोट बनाई। वेसल्स मीन्स एक छोटी सी बोट बनाई और फिर अपना जितना जरूरत का सामान, मतलब अपने को जितना जरूरत लग सकती वैसा सामान इसमें डाल दिया, मतलब शिप के अंदर फूड था जो भी, और जो भी खाने पीने की चीजें थी, जो भी आर्म्स एम्यूनिशन हथियार वगैरह थे, जो भी अपने को यूज हो सकता है आगे, वो सब इस वेसल में ले लिया और वहां से निकल गए आइलैंड की तरफ, ठीक है। वेसल का ट्यूब, ट्यूब का वेसल बनाया और सब इसमें भर लिया ट्यूब में,
और जाने लगे। डो ड्रॉग्स भी उनको, डो डॉग्स भी थे जो शिप में रह गए थे, वो भी उनको फॉलो करने लगे। ठीक है, शिप डूब चुका है आधा आइलैंड पे आके, आधा शिप टूट कर जो भी है कंडीशन इमेज में दिख रहा है। ऑल राइट, तो बहुत कोशिश करके विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने बना एक वेसल, वेसल मतलब स्मॉल बोट, आउट ऑफ टब्स, टब्स लेकर। ठीक है, आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विथ अ वेसल, आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विथ फूड एंड एम्यूनेशन, उन लोगों ने टब्स को किससे भरा, खाने से और हथियारों से, एम्यूनेशन मतलब हथियार, एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू, और जो भी जरूरत की चीजें थी शिप में वो सब उसमें भर लिया। दे कुड सेफली कैरी, जिसको वो सेफली कैरी कर सकते, दे रोड टूअर्ड द आइलैंड, वो लोग वो वेसल को लेकर मतलब वो बोट को लेकर आइलैंड की तरफ गए। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टक एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम, शिप में और दो डॉग भी थे, नाम था टक और जूनो, वो भी तैरने लगे। स्वैम मतलब स्विम, स्विम बिसाइड देम, उनके साथ साथ। द शिप कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन एंड पाउडर, कार्पेंट्री टूल, बुक्स, डिसेम्बल्ड पिनेस एंड प्रोविजन हैड बीन सर्वाइव। शिप के कार्गो में ये सारी चीजें भी बच गई थी, शिप के कार्गो में लाइव स्टॉक बचा था। ठीक है, लाइव स्टॉक मतलब जैसे कुछ चिकन्स होंगे, गोट होंगे ऐसा। ठीक है, कुछ गन्स भी थे, गन्स एंड पाउडर, गन्स और गन पाउडर, गोली बंदूक एक्सेट्रा और गोली बारूद, गन एंड पाउडर, गन पाउडर। ठीक है, कारपेंट्री टूल्स, वो लकड़ी सुतारों का जो रहता है ना, लकड़ी का सामान बनाते उसके टूल्स औजार, बुक्स भी थी। ठीक है, डिसेम्बल्ड पिनिक्स, डिसेम्बल्ड एक डिसेम्बल्ड पिनिस, मत पिनिस मीन स्मॉल बोट, स्मॉल छोटी सी नाव। ठीक है, डिसेम्बल्ड मतलब अलग हुई, टूटी हुई, मतलब मेन शिप से अलग हो गई थी, छोटी सी एक बोट थी। और प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब जो खाना पीना स्टोर किया हुआ था ना शिप में, जो देखो शिप जो जब चलती है तो एक एक महीना, दो दो महीना वो समुद्र पे चलती है, तो दो दो महीने का फूड स्टॉक किया जाता है उसमें, ये सब भी बचा था, ये सब भी बचा बच गया था साथ में। सो प्रोविजन मीन्स स्टॉक फूड भी बच गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो 2 मंथ का नहीं, मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोला है, वो 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, डिपेंड्स कि शिप कितने कितने दिन के लिए ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, लेकिन वो स्टॉक किया जाता है फूड, उसे कहते हैं प्रोविजंस, तो वो भी बच गया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वो सब इन लोग ने लेकर दे वेंट टू द श्योर, मतलब कोस्ट पे आ गए, साइड लैंड पे, मतलब अपना छोटा सा वेसल लेके दे केम टू द आइलैंड, आइलैंड में एंटर हो गए। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, देखो इसमें समरी है तो प्रॉपर पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलेगी, सिर्फ समरी है, तो बीच बीच से एक एक उनके बारे में बताया जा रहा है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड कैग टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बाव दैट कर्व अराउंड देम। ठीक है, कुछ दिनों बाद विलियम के पापा ने, ठीक है, वो जो फ्लोटेबल जो पानी में बह रहे थे, पानी में तैर रहे थे, कैग्स, कैग्स मतलब लकड़ी की शीट। ठीक है, लकड़ी की हम लोग बोलते हैं ना प्लाय, ठीक है, प्लाय, फल्ली ऐसा कुछ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, फल्ली, लकड़ी की फल्ली ऐसा कुछ बोलते हैं, उनको सबको अटैच किया और एक कर्व बनाया जैसे कि बो। ठीक है, बो, बो को हिंदी में वी विल से एरो, इंग्लिश में बो एन एरो, एरो बो सुना होगा, धनुष, हिंदी में धनुष कहते हैं। ठीक है, धनुष की तरह एक कर्व बनाया। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, परिवार बहुत आराम से आइलैंड पे लैंड हो गया। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज दे आर बेड। तो वो लोग वहां पे सेट हो गए, वहां पे उन्होंने टेंट डाला, टेंट टेंट बना, टेंट ओपन किया, टेंट डाला, और जमीन पर क्या बिछाई, घास, जो उन्होंने घास काटी थी उसको जमीन पर डाल दिया टेंट के अंदर, ताकि वो बेड बन जाए उनका, मतलब उनको बेड की तरह सॉफ्ट हो जाए, गद्दे की तरह सोने के लिए। ठीक है, दे कम टू अ ग्रुप ऑफ ट्रीज आइलैंड पे, वहां पर उनको क्या दिखा, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप मतलब पूरा गुच्छा, बंच, बंच ऑफ ट्रीज। ठीक है, आगे वन ट्री ग्रू दैट लुक लाइक, वन ट्री ग्रू वॉट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट। ठीक है,
एक पेड़ पर वहां पे कुछ गॉड्स या गार्ड्स बोल सकते हो, गॉड्स जैसा कुछ था, गॉड्स। ठीक है, हम लोग ने तुमने ने बॉटल गॉड सुना होगा। बॉटल गॉड मतलब दूधी, लौकी, दूधिया, लौकी। ठीक है, और ककुम्बर जैसा, ककुम्बर सुना होगा। ठीक है, ककुम्बर काकड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा गॉड का एक ट्री मिला उनको, एक पेड़ दिखा वहां पर, बहुत सारे गॉड उगे हुए थे। ठीक है, तो वो गॉड को, गॉड मीन्स जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, लौकी, जिसको हम लोग बॉटल गॉड कहते हैं, बॉटल गॉड। ठीक है, तो एक एक पेड़ मिला जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स थे। ठीक है, और वो फ्रूट्स के इन्होंने तो एक पेड़ के ट्रंक पे बहुत सारे फ्रूट्स थे, गॉड्स। ठीक है, वेजिटेबल्स या जो भी है मतलब। तो उनको उसके पापा ने उनको बताया कि कैसा यूज करना है। द फादर टोल्ड फ्रिज, फादर ने अपने लड़के फ्रिज से कहा, जो एल्डर सन था, कि ये द गॉड्स में वुड मेक एक्सीलेंट बाउल एंड स्पून, कि इससे हम लोग बहुत अच्छा कटोरा, वाटा, वाटका, वाटी, ठीक है, बाउल बना सकते हैं, और स्पून, चम्मच बना सकते हैं। एंड दे कट देम इंटू वेरियस यूटेंसिल, और इसको और उन्होंने उसको काटा अलग अलग बर्तन बनाने के लिए, मतलब उसको काट कर उसके अलग अलग बर्तन, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए। आफ्टर सम डे एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वॉन्टेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। कुछ दिन के बाद जो वाइफ थी एलिजाबेथ, उसने अपने हस्बैंड विलियम से कहा कि वो चाहती है कि फैमिली को कोई सेफ जगह पर ले जाना चाहिए। देयर करेंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। उन्होंने जो टेंट बनाया है वो सिर्फ वाइल्ड एनिमल को एक्सपोज नहीं है, मतलब वो सिर्फ खुला नहीं है, रिस्की नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत गर्मी और सूखापन है। ठीक है, इफ दे बिल्ड अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्री दे वुड हैव बीन सेफ फ्रॉम जैकॉल्स। अगर वो एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपना घर बनाएंगे तो जैकॉल से आराम से बच जाएंगे, जैकॉल से आराम से बच जाएंगे। जैकॉल लकड़बग्घा बोलते हैं, लकड़बग्घा, या फिर सियार, हिंदी में सियार बोलते हैं, इंग्लिश में जैकॉल एक डॉग जैसा एनिमल होता है। ठीक है, डॉग टाइप एनिमल, गिद्ध, गीदड़, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। मैं तुम लोगों को जनरल में बोल सकता हूँ, डॉग जैसा एक एनिमल रहता है, जैकॉल्स। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। और उसने बोली कि घर बनाने के लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा रहेगा, ऐसा जिसका तना, जिसका ट्रंक, ट्रंक मतलब मिडल पार्ट, वो कम से कम 40 फीट डायमीटर का रहेगा, तो वैसा पेड़ घर बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। द ब्रांच वे वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक। ब्रांच बहुत लंबे और एक्सटेंडेड है, लॉन्ग और एक्सटेंडेड है, ट्रंक से निकले हुए। ठीक है, मेकिंग मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, घर का स्ट्रक्चर बना। लेटर व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांच, द फादर थॉट द बॉय ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्राइंगल टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट। जब उन लोग घर बनाने लगे तो घर बनाते वक्त पापा ने अपने बच्चों को, ठीक है, उसके जो लड़के थे उनको ज्योमेट्री सिखाया, मतलब मेजरमेंट कैसा लेते हैं वो सिखाया, क्योंकि अब तो स्कूल नहीं जा रहे, दे आर सर्वाइविंग इन दिस आईलैंड, वहां पे कोई है नहीं, तो उसके पापा उनको ज्योमेट्री सिखा रहे कि कैसे लेंथ मापी जाती है, कैसे ट्राइंगल्स बनाकर बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ मापी जाती है। ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक ट्री, पेड़ के ट्रंक से उसने डिस्टेंस मापा। देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्स रॉड, और फिर कुछ रॉड लेकर उसने एंगल्स कैलकुलेट किए। डिटरमाइनिंग द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, और फिर उसने पता किया कि जो सबसे नीचे वाला ब्रांच है वो कितनी हाइट पर है, 30 फुट की हाइट पर है। सबसे लास्ट वाला ब्रांच जो सबसे लोवेस्ट है वो 30 फीट की हाइट पर है। ठीक है, मतलब थोड़ा बच्चों को यहाँ पे ज्योमेट्री और मैथ्स भी हो रहा है प्रैक्टिकल में। ठीक है, द मैन नॉटेड अ रोप अ सर्टन एट इन सर्टन इंटरवल अटैच पीस ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट। वो आदमी ने गाठी बांधी, नॉट मतलब गांठ मारना, गांठ मारी रस्सी में, और जहां जहां गांठ मारी वहां पे क्या डाला है, बैम्बू, इससे उनकी सीढ़ी बन गई। थस दे क्रिएटेड देयर लैडर, और इससे उनने अपनी सीढ़ी बना ली, रस्सी पे गांठ मारी और जहां जहां गांठ है वहां पे बाम्बू फंसाया, बैम्बू। ठीक है, बैम्बू फंसाने की वजह से वो लैडर में, लैडर की तरह हो गया, मतलब वो पकड़ के वो लोग
आराम से अपने घर पे चढ़ सकते थे, पेड़ के ऊपर घर बनाया ना जैकॉल से बचने के लिए। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड। फिर फादर बीच पे वापस आया और ड्रिफ्ट वुड मतलब जो लकड़ी के टुकड़े पानी के इधर पड़े हुए थे उनको जमा करने लगा। थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, और क्या सोचकर कि ये स्लेज बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो मैन वर्सेस वाइल्ड हम लोग एक डिस्कवरी पे शायद से मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक सीरीज आती थी, एक सीरियल की मतलब एक उसमें बताया जाता था, उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम था गिल शायद, मे बी, याद नहीं है मुझे प्रॉपर, लेकिन वो हाउ टू सर्वाइव इन अननोन प्लेस और इन फॉरेस्ट और हाउ टू सर्वाइव इन डेजर्ट, उसमें यही बताता है कि ऐसी चीजों ऐसी जगहों पर जहां आप अकेले फंस जाओ तो वहां पे सर्वाइव कैसे करना है। ये चैप्टर भी पूरा उस पर डिपेंडेंट है कि हाउ टू सर्वाइव, कैसे जीवित रहना है, कैसे जिंदा रखना है ऐसी जगहों पर जो बैकवर्ड या फिर बीधड़ एरिया जो कहते हैं ना, बीधड़ एरिया जंगल या जहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कोई ह्यूमन रहता नहीं, वहां पे कैसे सर्वाइव करना है। तो बिल्ड अ स्लेज, बिल्ड अ स्लेज एक टाइप की गाड़ी है जो स्नो एरिया में चलती है, जहां पे बर्फ गिरती है ना तो वहां पे स्लेज स्किपिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब वो लोग डॉग से उसको बांध देते हैं और डॉग उसको खींचते हैं, वैसी गाड़ी को स्लेज कहते हैं। तो जहां डेजर्ट एरिया है वहां स्लेज यूज होता है, सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग सुना है, आइसी एरिया में जहां स्नो रहता है, स्नो वाले एरिया में या फिर डेजर्ट एरिया में सर्फिंग होती है। तो ये गाड़ी में व्हील नहीं रहते, ये बस स्लाइड होती है, स्लिप होती है, तो डॉग्स उसको खींचते हैं। तो पापा ने क्या सिखाया, पापा ने सॉरी जो विलियम था उसने बीच से लकड़ी उठाई और क्या सोचा, इसका क्या बनाऊंगा, स्लेज ऑन रनर रेदर देन व्हील्स, जो रनर में काम आएगा व्हील से अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे व्हील्स तो पॉसिबल नहीं मिलना, तो स्लेज का उसने रनर बनाया। लेटर दे यूज इट इन अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, बाद में वो स्लेज उनका कहाँ यूज होने लगा, ट्रांसपोर्ट मटेरियल में। ठीक है, मतलब डॉग को बांध कर डॉग से चला सकते हैं वैसा स्लेज। मीनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्थी प्लांट, और उसी दौरान एलिजाबेथ ने अनाउंस किया कि जो उसने जो गार्डन लगाई थी घर के आसपास, उसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स आने लगे, मतलब उसमें क्रॉप्स उगने लगे, जैसे कॉर्न कॉर्न मकई। ठीक है, तो मकई आने लगी है, मेलन्स आने लगे हैं, मेलन्स मेलन्स मतलब वाटरमेलन, कलिंगड़ और भी मेलन्स आते हैं। ठीक है, पम्पकिन कद्दू आने लगा है, कुकुम्बर ककड़ी उगने लगी है, वेर ऑलरेडी ग्रोइंग। ठीक है, द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिट्स ट्रेवल टू दी वुड, अगले दिन ही फादर और फ्रिट्स कहाँ गए, जंगलों में गए, वुड मतलब जंगल, फॉरेस्ट में गए, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सॉटिक प्लांट एज वन विथ वैक्सी फ्रूट्स, ऐसे पेड़ ढूंढने गए, समझे, ऐसे पौधे ढूंढने गए जो वैक्सी फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो वैक्सी जो फ्रूट के ऊपर जिसके वैक्स आता हो, तो वैक्स का यूज करके वो लोग कैंडल वगैरह बना सकते हैं, फ्रॉम विच कैंडल कुड बी मेड, जिससे कैंडल बनाई जा सकती है। फ्रूट्स रहते हैं जिसके जिसकी अपर कोटिंग में वैक्स आता है, वैक्स एग्जाम्पल एप्पल ले लो। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रूट विथ वैक्सी कोटिंग, फ्रिज डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्यूडिंग अ रबरी सैप। ठीक है, फ्रिज ने एक पेड़ ढूंढा जिसमें से क्या निकल रहा था, रबरी सैप मतलब रबर निकल रहा था। फ्रिज ने एक पेड़ ढूंढा जिसमें से कुछ स्टिकी मटेरियल निकल रहा था, वो स्टिकी मटेरियल क्या था, रबर। ठीक है, एक्सक्यूडिंग मतलब प्रोड्यूसिंग, बाहर निकल रहा था। फ्रॉम विच इज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स, जिससे फादर को देख के फादर ने क्या कहा, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं। ठीक है, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज। ठीक है, आगे का सोचते हुए, आगे की ठंडी का सोचते हुए फादर ने क्या बोला, हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो सेफ हो, जहां पे मतलब चीजें को भी स्टोर कर सकते, जो ठंडी से विंटर से बचाए और जहां पे चीजों को स्टोर कर सकते हैं, स्पॉट टू प्रोटेक्शन देमसेल्फ। ठीक है, और जहां पे हमें प्रोटेक्शन मिल सके ठंडी से भी, वाइल्ड एनिमल से भी, ठीक है, ठंड से भी प्रोटेक्शन मिले और चीजें सड़े नहीं, सेफ रहे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स, फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ केव,
फ्रिट्स ने क्या आइडिया दिया, केव में घर बनाते, केव केव मतलब गुफा। नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक एब्यूटिंग देयर कंपिंग साइट, ठीक कैंपिंग साइट सॉरी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ढूंढते कोई केव, कोई गुफा ढूंढते ये नहीं सोचा, बल्कि सोचा कि खुद की गुफा बनाते हैं पहाड़ में या कोई छोटे माउंटेन में, खुद खोद कर अपनी गुफा बनाते हैं। ठीक है, देयर ओन केव इन रॉक एब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट, जो उनके कैंपिंग के साइड पर ही हो, कैंपिंग साइट की बाउंड्री पर हो, उनके कैंपिंग जहां वो लोग कैंपिंग कर रहे थे, जहां रह रहे थे फिलहाल, उसके साइड पर एक गुफ एक पहाड़ माउंटेन जैसा था, वहां पर उन्होंने खुद सोचे खुद की गुफा बनाते। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क द डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग। तो पापा ने क्या किए, एक जगह पर वहां के लिए रास्ता, मतलब वो पत्थर की एक स्मूथ जगह पर मार्किंग किए कि यहां से डोर रहेगा। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ मार्क किए, ओपनिंग मतलब अंदर जाने का रास्ता। एंड दे पिक्ड अवे एट दी हार्ड सरफेस विद द एक्सेस चिसल हैमर एंड शोल्स। और फिर वो लोग ने कुल्हाड़ी, चीनी, हथौड़ी और फावड़ा और जो भी उनके पास था वो सब लेकर चालू कर दिया काम। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज। कुछ दिनों में उनका काम होने लगा। और अब वो लोग क्या काट रहे थे, मतलब वो रॉक में खिड़की बना रहे थे इन द रॉक टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर, ताकि हवा आए जाए। क्रॉस करंट मतलब हवा दोनों साइड से आए जाए, उसके लिए वो लोग होल मतलब रॉक के अंदर उन्होंने गुफा बना दी, पहाड़ के अंदर गुफा जैसा बना दिया। और अब उसकी विंडो काट रहे थे, एक रॉक सिलेक्ट किया, बड़ा सा रॉक स्टोन सिलेक्ट किया पहाड़, और उसके अंदर वो लोग ने अपने लिए गुफा बनाई। कुछ दिनों में काम पूरा होने आया, यहाँ तक कि वो लोग विंडो बना रहे थे, ठीक है, ताकि एयर आए जाए और सनलाइट आए, फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। ठीक है, व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन लोग ने काम पूरा किया, दे हैड फोर रूम्स, जब उन्होंने काम पूरा किया तब तक वो कितने रूम्स बना चुके थे, ऐसा ऐसा रूम, चार रूम बना चुके थे वो गुफा में, कंप्लीट विथ अ फायर प्लेस, चार रूम और उसमें एक फायर प्लेस भी, आग के लिए जगह। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम, और अब उनके लिए एक नया विंटर होम, उनका एक नया विंटर होम रेडी हो गया था। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ड फेल ऑप्रेसिव। लेकिन लाइट, केव हाउस में लाइट बहुत कम आती थी, लाइट बहुत कम थी, इसके लिए वो घर बहुत ऑप्रेसिव मतलब उदास दुखी दिख रहा था, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि बोरिंग एकदम थर्ड क्लास, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, और लाइट सनलाइट के लिए भी एंट्री कम थी, लो लाइट की वजह से वो केव हाउस थोड़ा सा डल दिख रहा था, डल। टू रेमेडी, इसको सुधारने के लिए, टू रेमेडी दिस, इसको करेक्शन करने के लिए, फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट। फादर और दूसरा लड़का, एक तो फ्रिज आया था, अभी जैक का नाम आ रहा है, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, न्यू लाइट। दे फाउंड अ बैम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू दी सीलिंग। उन्होंने एक बड़ा सा बैम्बू का डंडा लिया, एक बड़ा सा स्टिक, पोल मतलब स्टिक, एक बड़ी सी स्टिक ली बैम्बू की, और इतनी बड़ी थी कि वो जमीन से लेके सीलिंग तक जाती थी। ठीक है, देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जैक क्लाइम्ब अप टू द टॉप, फिर उसको फिट किया उन्होंने, और उसके बाद उसको अच्छे से फिट करने के बाद जैक ऊपर चढ़ा पोल के, और हंग अ लार्ज ऑयल लैम्प, और क्या टांगाया, हंग मतलब टांगना, क्या टांगा, एक बड़ा सा ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प मतलब तेल से जलने वाली लाइट। पहले के जमाने में लोग लालटेन, सुना होगा लैंटेन, लेंटेन यूज करते थे, मतलब एक एक जो घासलेट बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी के तेल से जलती थी, मतलब पहले लाइट्स नहीं थी ना, तो लोग लैंप यूज करते थे, ऑयल लैंप्स, जो ऑयल से जल के ऑन होती थी, मतलब उसको जलाया जाता था आग से और फिर वो ऑयल पे जलती रहती थी। दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप, एक बड़ा सा ऑयल लैम्प था जो उन्होंने शिप से लेकर आए थे। ठीक है, वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हर्ट हट्स हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड कल्टिवेटेड फील्ड अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल। देखो, इन्होंने ऐसे बहुत सारे घर बना दिए थे वहां पे जो इनके ही थे, ठीक है, क्योंकि और कोई था ही नहीं आइलैंड पे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनके फैमिली का एक झोपड़ा, ठीक है, वो टूट चुका है, वो टूटा हुआ है, और आस पास की खेती भी बर्बाद है, तोड़ी गई हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रूइंड। ट्रैम्पल्ड मतलब पूरा उसको पीस कचुम्बर करना या पूरा बर्बाद कर देना, रूइंड स्पॉइल। ठीक है, देयर वर ह्यूज फुट मार्क्स, और वहां पे बड़े बड़े पैरों के निशान थे, फुट मार्क्स मतलब फुटप्रिंट,
बड़े बड़े पैरों के निशान थे एवरीवेयर. फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्री एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स विच ही आइडेंटिफाइज बिलोंगिंग टू एलिफेंट हर्ड. फादर ने देखा आस पास के पेड़ों को भी बहुत डैमेज किया गया है और बड़े बड़े पैरों के निशान है जो उसने बाद में पता किया किसके थे, जो उसने पहचाना पहचाना था किसके थे वो फुट मार्क्स, एलिफेंट हर्ड्स यानी हाथी के झुंड के, एलिफेंट हाथी, हर्ड्स झुंड. ठीक है. नेक्स्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगेन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल फ्रॉम एंटरिंग द कल्टिवेटेड लैंड. अगली सुबह फैमिली ने एक नया डिफेंस सिस्टम, मतलब बचाव सिस्टम, एक नया बचाव सिस्टम डिजाइन करना सोचा ताकि डिस्करेज किया जा सके, मतलब दूर रखा जा सके, मतलब वाइल्ड एनिमल को घुसने ना दिया जाए खेतीबाड़ी की जमीन में, वाइल्ड एनिमल ना घुसे. उसके लिए उन लोग ने एक प्रोटेक्शन सिस्टम, नया डिफेंस सिस्टम तैयार डिजाइन किया. दे ऑल्सो फाइनलाइज दे आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस. और उन लोग ने नया जगह पे रहने का भी आइडिया के साथ ही उन लोगों ने ये सोचा कि अब की बार जो घर बनाएंगे वो पेड़ पर बनाएंगे, यानी स्टिल्ट पर नहीं बनाएंगे. स्टिल मीन्स बिग पोल्स, बड़े बड़े पोल्स पे घर नहीं बनाएंगे जिसको एलिफेंट आराम से नॉक कर देते हैं, गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं. उधर घर बनाने से अच्छा चार स्ट्रांग, चार मजबूत पेड़ पर जो आसपास में हो, स्क्वायर में हो, मतलब एक दो तीन चार, ऐसे चार पेड़, दो दो चार, ऐसे कोई चार पेड़ ढूंढ कर उसके ऊपर घर बनाएंगे तो वो स्ट्रांग फाउंडेशन रहेगा, मतलब बेस स्ट्रांग रहेगा उसका, मतलब घर मजबूत रहेगा, कोई भी वाइल्ड एनिमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. द ट्रीज वेर इक्वल साइज, लेकिन पेड़ इक्वल साइज के रहना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और एक पेड़ दूसरे पेड़ से 12 फुट की दूरी पर होना चाहिए. थर्स दे बिल्ड अनदर सेफ होम. तो उन लोगों ने ऐसी जगह ऐसे पेड़ ढूंढे और फिर अगला घर अपना और एक घर बनाया, सेफ होम. ऑलराइट. 10 ईयर पास, 10 साल गुजर गए, ऐसा ही उनके जो एडवेंचर की लाइफ में 10 साल चले गए. ठीक है, मतलब इसमें पूरी डिटेल नहीं है, तो आउटलाइन है, तो शॉर्ट शॉर्ट में स्टोरी. अगर वो नॉवेल पढ़ोगे तो पूरी डिटेल के साथ स्टोरी मिलेगी. 10 साल गुजर गए, यंग बॉय वे नाउ यंग मैन. जो यंग बॉयज थे, जो बच्चे थे, चार बच्चे थे ना, अब वो क्या बन गए, यंग मैन में कन्वर्ट हो गए, मतलब बड़े हो गए. एंड देयर पेरेंट्स वे वेरी प्राउड, और माँ बाप बहुत प्राउड थे. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. उस आइलैंड को वो लोग क्या कहते थे, न्यू स्विट्जरलैंड. मैनी एडवेंचर ऑकर्ड ओवर द ईयर. साल भर में वैसे बहुत सारे एडवेंचर हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब मेंशन नहीं किया है. ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड, अभी एक अलग सा इवेंट हुआ, वो क्या है, ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन एल्बर्ट रोज. ठीक है, एक बर्ड है बड़ा सा जिसकी बड़ी सी चोंच होती है, एक सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है, जिसकी बड़ी सी बीक होती है और बीक के नीचे बड़ा सा नेट होता है. ठीक है, तो इसने उसको नॉकडाउन मतलब मारा, फ्रिज ने एक पक्षी को गिराया या पक्षी को पकड़ा, फ्रिज ने एल्बर्ड्रोस नाम के पक्षी को दूसरे आइलैंड पे पकड़ा. देखो छोटे छोटे आइलैंड्स पास में थे, तो बाजू के आइलैंड में फ्रिज ने जाकर एक पक्षी को पकड़ा या गिराया. विच वॉज फ्रीटनिंग टू अटैक हिम, जो फ्रिज पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, फ्रिज ने उसको गिराया या उसको नॉकडाउन, उसको हराया. एंड फाउंड अ रैक टाइट टू द लार्ज बर्ड लेग्स, लेकिन वो बर्ड के पैर में एक रैक बंधा हुआ था. रैक मतलब छोटा सा कपड़े पर कुछ लिखा हुआ था, रैग मतलब चिंदी बोलते हैं, छोटा कपड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ, और उस पर कुछ लिखा हुआ था. ऑन द रैग वॉज अ मैसेज, वो रैग पे एक मैसेज था, क्या था, दैट एन इंग्लिश वुमैन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन अ स्मोकिंग रॉक, कि एक इंग्लिश वुमैन फंसी है जलते हुए धुएंदार रॉक पर. एक इंग्लिश वुमैन फंसी है, कहां पर फंसी है, स्मोकिंग रॉक पर. स्मोकिंग मतलब आग जल रही है या धुआं है, धुएं वाले रॉक पर. वो क्या है धुएं वाला रॉक, आगे देखते हैं. फ्रिट्ज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज. फ्रिट्ज को ये आइडिया नहीं था कि मैसेज कितना पुराना है. हिज फादर सजेस्टेड दैट, उसके जो फादर थे विलियम, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्केनो रॉक है. स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू वॉल्केनो रॉक. स्मोकिंग रॉक वॉल्केनो रॉक की तरह सुनाई पड़ रहा है. सिंस देयर वाज नो वॉल्केनोज इन द विसिनिटी, आसपास में कोई वॉल्केनो नहीं था. द बर्ड माइट हैड कम फ्रॉम 100 miles अवे, तो शायद ये पक्षी हजारों मील दूर से आया है. हाउ एवर फ्रिट्स फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प
एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर। फ्रिट्ज को ऐसा लगने लगा किसी को उसकी मदद की बहुत जरूरत है, ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं ढूंढूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिसने भी ये भेजा है उसको ढूंढने की। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैक। घर पे आने से पहले उसने रैक पर अपना नोट लिखा, रिटाइड वापस से बांधा इट टू एल्बर्ट रोज लेग्स। वो पक्षी के पैर पर वापस से अपना नोट लिखा और वो पक्षी के पैर पर बांधा और देखा वो पक्षी कहाँ उड़ के जा रहा है, एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, और देखा पक्षी को उड़ते हुए, ठीक है। द नोट टोल्ड हूएवर, नोट में क्या लिख के भेजा था फ्रिट्ज ने, जो भी हो, हूएवर रिसीव्ड इट, जिसको भी ये मिले, डू नॉट डिस्पेयर, घबराना मत, डरो मत, वरी मत करो, हेल्प हेल्प इज नियर, मदद नजदीक है, मदद, ऐसा उसने नोट लिखा और फिर से वो बर्ड के पैर पे बांधकर उड़ा दिया। फ्रिट्ज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोस। फ्रिट्ज ने बहुत फिर सक्सेसफुली वो लड़की को बचा लिया, लड़की का नाम था जेनी मॉन्ट्रोस, ठीक है। दो शाय फर्स्ट सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली। पहले थोड़ा शर्मा रही थी लेकिन फिर वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ एडजस्ट हो गई, रहने लगी। वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर। स्टोरी डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है, उन्होंने एक दिन देखा कि एक शिप आई है किनारे पर और वो अपने एंकर डाल रही है। शिप के पास हुक रहते हैं एक जगह पर खड़े रहने के लिए, उसको कहते हैं एंकर। एन एंकेपमेंट हैड बीन सेटअप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड, ठीक है। उन्होंने देखा एक शिप आई है आइलैंड के इधर, अपने एंकर डाल रही है। शिप ने इनको नहीं देखा था, ये लोग ने देखा था और छुप कर फिर उसको स्पाई कर रहे थे, मतलब छुप कर नजर रख रहे थे कि शिप पे कौन है, सेफ है क्या। एंड एनकैपमेंट मतलब सेटलमेंट, मतलब लोग उतरे वो आइलैंड पे। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू दियर स्पाई ग्लास, अपनी जासूसी से, स्पाई ग्लास मतलब जासूसी, वो लोगों की जासूसी करके उनको चेक किए कि कौन लोग है, कहां से आए, क्या उनका टारगेट क्या है। फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न्ड होम एंड क्लियर इट अप, ठीक है। पहले उन्होंने छुप के जासूसी की, देखी कौन लोग है, और फिर उसके बाद उन लोग ने डिसाइड किया कि बता देते कौन है, और वो लोग को बताया अपने बारे में कि हम लोग कौन है, मतलब फ्रिट्ज और उसके पापा को, मतलब जो लोग शिप आई थी वो लोग को इनके बारे में नहीं पता, तो इन लोग ने अपने आप को अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ के लोग है। दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू टू न्यू, वो लोग नहीं चाहते थे कि क्रू मतलब शिप पे जो लोग आए थे उनको कहते हैं, पीपल वर्किंग ऑन शिप, शिप पे जो लोग आए थे, शिप पे जो काम कर रहे थे क्रू, वो नहीं चाहते थे कि क्रू के लोग इनको सेवेज समझे, सेवेज मतलब अनसिविलाइज्ड, अनपढ़, गवार, जाहिल, सेवेज, वो नहीं चाहते थे कि वो लोग इनको देहाती समझे। द नेक्स्ट डे फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री। अगले दिन फ्रिट्ज और उसके पापा गए और कैप्टन को मिले और उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई, और जेनी की भी स्टोरी बताई। जेनी वो गर्ल है जिसको इसने रेस्क्यू करके बचा कर लाया था फ्रिट्ज ने। टू एवरीवन सरप्राइज इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च। ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज अलाइव आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। देखो सबको बाद में ये सुनकर बहुत बाद में सब इससे बहुत इंस्पायर्ड हुए कि कैप्टन को उसके पापा नहीं भेजा, जेनी के पापा ने ही कैप्टन को भेजा, क्योंकि जेनी के पापा को ये भरोसा था कि उसकी बेटी जिंदा है। तो 3 साल बाद जेनी मिली, ठीक है। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, और कैप्टन ने डिसाइड किया था कि कोशिश करूंगा, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करूंगा उसको ढूंढने की। ऑलराइट, विद द बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली पैसेंजर एंड क्रू ऑफ ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। खुशी के साथ पूरा परिवार और क्रू के पैसेंजर और क्रू के लोग सब ब्रिटिश वेसल्स में बैठकर, मतलब छोटी बोट में बैठकर न्यू स्विट्जरलैंड की तरफ आए। न्यू स्विट्जरलैंड वो आइलैंड है जिसपे ये लोग जाकर बसे थे। एवरीवन वाज अमेज्ड, क्योंकि बड़ी शिप किनारे तक नहीं आती, तो छोटी शिप में जो बड़े आइलैंड, दूसरे आइलैंड पे जो शिप लगी थी वहां से इन लोग क्रू छोटे वेसल्स में बैठकर न्यू स्विट्जरलैंड मतलब आइलैंड पे आए। एवरीवन अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर, और सब लोग बहुत अमेज्ड, सरप्राइज थे कि इन लोग यहाँ पे कैसे बचे और इतनी गुड हेल्थ में कैसे हैं। ये जो सर्वाइवर है, मतलब ये जो फैमिली है विलियम की, विलियम, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, मतलब इन लोग इतनी अच्छी सेहत में है और इतनी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब सक्सेस, वेलबींग, कैसे है, ठीक है, मतलब इसको देखकर वो लोग सरप्राइज हुए। एज द डे एंडेड द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वॉन्ट्स टू स्टे ऑन द आइलैंड
और रिटर्न विद द शिप। दिन खत्म होते ही फादर को समझ में आ गया कि अभी एक डिसीजन लेना चाहिए कि कौन हमारे साथ रहना चाहता है और कौन शिप के साथ जाना चाहता है, मतलब फैमिली में। ये लोग की 6 जन की फैमिली प्लस एक जेनी, 7 में, तो 7 लोग का डिसीजन लेना है कि कौन हमारे साथ, नहीं सॉरी, कौन आइलैंड पे रहना चाहता है और कौन शिप के साथ वापस इंग्लैंड जाना चाहता है। एलिजाबेथ एंड हस्बैंड डिड नॉट विश टू लीव एनी वे बट ऑन दी आइलैंड। एलिजाबेथ और उसका हस्बैंड विलियम, ये लोग कहीं जीना नहीं चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे आइलैंड पे, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ। तो विलियम और एलिजाबेथ दोनों हस्बैंड और वाइफ ने जाने से मना कर दिया। वो लोग कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम से है और यहाँ की लाइफ की, मतलब हम लोग को यहाँ की हैबिट हो गई, तो हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। जेनी ने पूछा क्या कोई उसको सपोर्ट करेगा, मतलब उसके साथ इंग्लैंड चलना चाहेगा। फ्रिट्स वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। फ्रिट्स ने सबसे पहले रिप्लाई किया, हाँ मैं चलूंगा। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु आर गोइंग टू यूरोप। उसने चीयर्स किया उनके लिए जो यूरोप जा रहे हैं। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड। फिर एक और फ्रिट्स का हो गया, फिर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट आईलैंड पे ही रहना चाहता था, मतलब पेरेंट्स के साथ। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक। जैक भी आईलैंड पे ही रुका पेरेंट्स के साथ। फ्रेंड्स द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्स इन लिविंग। और जो सबसे छोटा था, क्या नाम है, फ्रेंड्स, वो फ्रिट्स के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फ्रेंड्स वॉन्टेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एडुकेशन। फ्रेंड्स को एकेडमिक एडुकेशन, पढ़ाई करनी थी, मतलब जो स्टडीज करनी थी। फ्रेंड्स को स्टडीज करनी थी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में, एक्सेट्रा। तो इसके लिए वो फ्रिट्स के साथ और जेनी के साथ यूरोप आने के लिए तैयार हो गया। यूरोप कॉन्टिनेंट है, कैपिटल सिटी है इंग्लैंड। बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड ही विश्ड एंड हिज विश टू मैरी हर। जाने से पहले फ्रिट्स ने अपने पेरेंट्स को जेनी के बारे में बताया कि वो जेनी से लव करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। द फादर हैड कैप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एडवेंचर दैट दे हैड ऑन द आइलैंड। जो फादर है विलियम, उसने हर एक एडवेंचर जो उन्होंने आइलैंड पे किया, जो आइलैंड पे उनको एडवेंचर मिला, उसका हर एक का फादर ने रिकॉर्ड करके रखा था। ठीक है, जो भी उन्होंने आइलैंड पे किया, मतलब जो भी एडवेंचर उनको मिला आइलैंड पे, जो भी सरप्राइज मिला आइलैंड पे, उसका फादर ने रिकॉर्ड किया था कि हमने यहाँ घर बनाया, वहाँ घर बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसने वो पूरा ही हैंडेड ओवर द जर्नल, और वो जो रिकॉर्ड जर्नल थी, जो रिकॉर्ड किया हुआ था, वो पूरी जर्नल कैप्टन को दी उसने, जो शिप का कैप्टन था, पब्लिश के लिए, मतलब इसका प्रिंट आउट करो, इसको बुक में छापना है। देन द शिप डिपार्टेड, और शिप चला गया। बस ये आउटलाइन है सिनॉप्सिस का। आई होप पूरा चैप्टर समझा, मैंने ईच एंड एवरी लाइन हिंदी में ट्रांसलेट की फॉर यू ऑल। समझा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, कमेंट्स करो, और वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। एक्टिविटीज तुम्हें करनी है घर पे, ठीक है, दिस इज योर वर्क, ये तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक है। और मुझे व्हाट्सअप, आखिर मेरा नंबर है, या फिर मुझे कमेंट्स करके बताओ कि तुमने एक्टिविटी की या नहीं की। ऑल राइट, एक्टिविटी करनी है। प्लस देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के साइड में कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते, ये भी करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो सब हर पेजेस पे एक एक क्वेश्चन है, लेंदी चैप्टर है, इसके लिए वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ऑलमोस्ट 5 पेजेस का चैप्टर है, ऑलमोस्ट 5 पेजेस, ठीक है। तो 5 बिग पेजेस का चैप्टर है, आई होप समझा। ओके, तो शेयर करो, लाइक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।